तो दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत बहुत जानदार तरीके से इस वीडियो के साथ होगी। इसको ध्यान से समझना और तुम्हें कैसी बात पता लगेगी। तो हिंदुस्तान में शायद पहली बार ही हुआ था मैगी वाले केस में। तो नेस्ले दिख रहा है, नेस्ले का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? मैगी है, जो सबसे ज़्यादा चलन में है और बच्चे बच्चे को पता है। जिंदगी में मैगी को कभी लॉस हुआ, कभी लॉस नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है। लॉस हुआ था हाँ, तब जब ये केस आया था। ध्यान से सुनेंगे। सरकार ने मैगी मामले में नेस्ले इंडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इसके तहत सरकार ने मंगलवार को कंज्यूमर फोरम एनसीडीआरसी के समक्ष नेस्ले इंडिया के खिलाफ शिकायत की। इस शिकायत में सरकार ने 640 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। सरकार ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसने अपने लोकप्रिय नूडल्स मैगी ब्रांड के लिए अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस, गलत जानकारी और भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लिया है। इन आरोपों के लिए सरकार ने कंपनी से 640 करोड़ रुपए का हजाना मांगा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने करीब 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून के एक प्रावधान का पहली बार प्रयोग करते हुए नेस्ले इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इससे पहले सोमवार को खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान द्वारा इस संबंध में अपनी मंजूरी देने के बाद मंगलवार को यह शिकायत दर्ज करवाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 12(1)(b) के तहत नेस्ले इंडिया के खिलाफ मैगी मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। सामान्य तौर पर एनसीडीआरसी में एक उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, लेकिन 1986 के इस कानून में एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत सरकार भी किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। सरकार ने पहली बार इस कानून का सहारा लेते हुए किसी ब्रांड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मैगी नूडल से संबंधित गलत जानकारी देने से भारतीय ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस हर्जाने की मांग की है। क्या बात समझ में आई? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कोई भी ग्राहक किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में कर सकता है। कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर तो जाते ही जाता है, क्या और कोई भी जा सकता है? हाँ, जो इस वीडियो में तुमने बहुत ध्यान से सुना, क्या सुना ध्यान से? 640 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया और केस किसने किया? सुनो ध्यान से, फिर से सुन लो। कानून के एक प्रावधान का पहली बार प्रयोग करते हुए नेस्ले इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इससे पहले सोमवार को खाद्य और उपभोक्ता मामलों के प्रति संबंध में अपनी मंजूरी देने के बाद मंगलवार को यह शिकायत दर्ज करवाई अब गई। सुनना। सूत्रों के मुताबिक उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 12(1)(b) के तहत नेस्ले इंडिया के खिलाफ मैगी मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। सामान्य तौर पर एनसीडीआरसी में एक उपभोक्ता सामान्य तौर पर तो एक उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर ही जाता है सामान्य तौर पर, लेकिन मुद्दे की बात सुनना। अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, लेकिन 1986 के इस कानून में एक ऐसा प्रावधान है जिसके इसमें तहत सरकार भी किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। सरकार ने पहली बार इस कानून का सहारा लेते हुए किसी ब्रांड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। देखा, यानी कि सरकार भी किसी ब्रांड के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कहां जा सकती है सर? कंज्यूमर कोर्ट जा सकती है। और सरकार ने, हिंदुस्तान ने पहली बार इसका सहारा लेके क्या किया सर? किसी ब्रांड के खिलाफ, अमुना मुन्नी, केस दर्ज किया है। किसी ब्रांड के खिलाफ केस दर्ज किया है, क्या है कि नहीं किया? राइट। इसका मतलब सबसे पहला सवाल आज का यही बनता है कि कौन कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है, कौन कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है? कंज्यूमर तो जा ही सकता है क्योंकि खुद बोल रही है आंटी जी, और साथ साथ यहां पे पहली बार जिंदगी में कौन गया? गवर्नमेंट भी गई है। तो भैया ये पता लग गया, कंज्यूमर कोर्ट में सरकार भी जा सकती है और एक ग्राहक भी जा सकता है। क्या और कोई भी जा सकता है? जा सकता है, मुंडी मत हिलाओ, जा सकता है। ये सारे लोग भी क्या कर सकते हैं सर? कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। राइट। इसलिए तुम्हें वीडियो दिखाई ताकि तुम्हें ये बात तुम्हारे घुटनों में चली जाए कि भैया हम सोचते हैं सिर्फ कंज्यूमर जाता है। वीडियो देख के पता लगा कंज्यूमर के साथ साथ सरकार भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकती है, लेकिन इनके अलावा 3 लोग और हैं जो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें लगा सिर्फ जीवन में से 2 ही लोग कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नहीं। कितने लोग जा सकते हैं भैया? हाँ, यानी कि टोटल टोटल 5 लोग। पहला कौन? कंज्यूमर। दूसरा कौन? गवर्नमेंट। ये दो हमने अभी वीडियो में देख लिए। तीसरा कौन? कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन, जैसे कि एनजीओ जो होती हैं, जो कंज्यूमर के हित के लिए काम करती हैं, एनजीओ, वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकती हैं। तीसरा, अगर बहुत सारे कंज्यूमर प्रताड़ित हैं, देखो खजाने खोज रही है फिर से, है ना, खोज रही है ना खजाने। हाँ ठीक है, इन खजानों में कुछ नहीं रखा, असली खजाना कहाँ है? असली खजाना नजर के सामने है, इसे जिगर के पास तक लेके जाए गाना गाते हुए, नजर के सामने जिगर के। वाह वाह, पीछे करे, आगे का पता ही नहीं लगा पीछे का।
तो भैया नजर के सामने जिगर के पास लेके जाना है, तभी एग्जाम में याद आएगी बात, ठीक है ना। तीसरा कौन है बताओ? एसोसिएशन, जिसे हम आम आदमी की भाषा में क्या बोल देते हैं, एनजीओ या एनपीओ, अकाउंट की भाषा में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, राइट, ठीक है। चौथा कौन होगा? अगर बहुत सारे कंज्यूमर बेचारे क्या है, सताए हुए हैं, प्रताड़ित हैं, किससे, किसी कंपनी से, और एक आध कंज्यूमर बेचारे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कोर्ट में जाने के लिए, तो एक तो उनमें से मसीहा होगा केजीएफ की तरह, रॉकी भाई, जो उनको कहां से, नर्क से आजादी दिलाएगा, गरुड़ा से, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया तो एक रॉकी भाई की तरह, एक बंदा रॉकी भाई की तरह क्या बनेगा, मसीहा बनेगा, और वो कंज्यूमर बहुत सारे हजारों कंज्यूमर के बिहाफ पर कहां जा सकता है सर, कोर्ट में जा सकता है, अगर उन सबको सताया हुआ और एक जो जा रहा है वो सताया हुआ सेम कैटेगरी का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैगी की बात कर लेते हैं, मैगी पूरे इंडिया में बैठती है, केक कटेगा सब में बटेगा, और कई लोग तो मैगी पे ही जीवन गुजारते हैं, बताओ कौन। जब तुम पहाड़ों पे जाते हो घूमने तो तुम्हें देखा होगा मैगी पॉइंट, 100 मैगी पॉइंट मिल जाएंगे 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर, है कि नहीं बात, राइट। और जो बेचारा लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट होते हैं पहाड़ों पर, हमेशा फिक्स है, हर किसी, चाहे नैनीताल, मसूरी, शिमला, कहीं भी चले जाओ, कसौली, वहां 2 पॉइंट फिक्स है, एक लवर्स पॉइंट, यहां बेचारे मोहब्बत करते थे, फिर यहां इन्होंने आत्महत्या कर ली, और ये सुसाइड पॉइंट, तो यहां, है कि नहीं बात, राइट। क्या करना है आपको, यहां अपना शादी का इंतजाम करना है, बीच में क्या होगा, बीच में घर वाले बगावत करेंगे, और यहां पे आके दोनों क्या करना, कूद जाना, है कि नहीं बात। तो पुरानी फिल्में हैं, है कि नहीं बात, पता नहीं होता नहीं होता, पर हर पहाड़ों पे यही गाइड यही बताता है, हाँ भैया यहाँ लवर्स पॉइंट था, ठीक है, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा घर परिवार में, बेचारे कूद गए यहाँ से, आत्माएं रात को आधी भटकती हैं, 11 बजे के बाद अलाउड नहीं है एंट्री, तो लोगों में क्यूरियोसिटी जागती है ना, तो तभी तो टूरिस्ट प्लेस बनेगा, कोई भी चीज टूरिस्ट प्लेस कैसे बनेगी जब क्यूरियोसिटी हो, है ना, रात में कोई जाएगा नहीं, डरा दिया, तो उस चीज को दिन में देखने जरूर जाएंगे, तो तभी तो बिजनेस बढ़ेगा, किसका, गाइड का, है ना, ट्रांसपोर्ट वाले का, घुमाने वाले का, और होटल्स और पहाड़ों का, कि हाँ भाई ये ऐसा होता है ना, हॉन्टेड प्लेस हो तो टूरिस्ट जाएंगे, रात में मत जाना, दिन में देख लो, है कि नहीं बात। तो भैया रॉकी भाई ऐसी मैगी अगर हर जगह पहाड़ों पे है, हर पहाड़ पर ऊंचे से ऊंचा, नीचे से नीचा, हर जगह लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, सब जगह मैगी जरूर बन रही होगी, मैगी और भुट्टे जरूर चल रहे होंगे, है कि नहीं बात। अब ये बताओ मैगी बंद होने से उनका बिजनेस खराब हो गया, नहीं हो गया सर, उनका बिजनेस भी खराब हो गया, लेकिन मुझे पता लगा पूरे इंडिया में 1-10 करोड़ लोग ऐसे थे जो मैगी के खिलाफ जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पा रहे कि कौन जाएगा कोर्ट, हमें पता नहीं, तो उनकी जगह पर 1 या 2-3 या कुछ लोग कंज्यूमर मिलके कोर्ट में केस कर देते हैं सभी करोड़ लोगों के बिहाफ पर, जिन करोड़ लोगों का सेम इंटरेस्ट है कि मैगी ने हम सबके साथ क्या किया है, धोखा किया है, है कि नहीं बात। और आखिरी में चौथा पांचवा जना कौन है जो कोर्ट जा सकता है, अगर किसी प्रोडक्ट के कंज्यूम करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा तो आएगी नहीं, आओ उंगली पकड़ते हैं हम एक दूसरे की, मोमबत्ती जलाएंगे, है ना, राइट, अभी उसे बुलाएंगे, तो उंगली पकड़ पकड़ के मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, बीच में बहुत डर लगता है मुझे ऐसी पिक्चरों से भैया, मैं नहीं देख सकता, हाँ मुझे नहीं मजा आता बिल्कुल भी, है ना, राइट, ये देख लेती होगी मुन्नी जरूर, ठीक है, तो मैं नहीं देख सकता भैया, पता लगा खिड़की से कोई झांक रहा है, ठीक है, तो मैं पढ़ा भी ना पाऊंगा, भाग लूंगा मैं, तो मेरे बस की नहीं है पढ़ाना भैया, कल पढ़ेंगे, है कि नहीं, ठीक है, राइट। तो अगर कोई कंज्यूमर मर गया और मृत्यु कारण क्या था, कोई है क्या, डरा क्यों रहे भैया, है ना, पता लगा खिड़की से कोई आ गया अंदर, बाल आधे बाल नीचे करके, मैं भी पढ़ूंगी, है कि नहीं बात, ठीक है, बिना फीस लिए पढ़ाना पड़ेगा उसे तो। अब बताओ भैया अगर कोई कंज्यूमर बेचारा मृत्यु हो गई बेचारे की कुछ खाने पीने की वजह से या गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से, है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स लाया, लोकल लिया है, बेचारे को झटका लग गया, है ना, जो तुम कह रहे हो कि भैया अभी चंडीगढ़ में क्या हो गया, वो खाने में कॉकरोच निकल गया, है ना, बता रहे थे तुम, है ना, तो भैया अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा तो आएगी नहीं कोर्ट जाने, तो उसके बिहाफ पे कौन आएगा, तो घर वालों क्या बोलते हैं, लीगल हायर से लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, तो बताओ कितने लोग हो गए कंज्यूमर में कोर्ट में जाने के लिए, तो हम इसे एहतियात करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा क्रिस गेल, कौन जाएगा भैया, क्रिस गेल को भेजना है, बताओ कैसे याद होगी सर ये बात, कंज्यूमर कोर्ट गया क्रिस, जी ए में से वाई गायब कर दिया मैंने, याद रखना, जी ए एल
ई क्रिस गेल, वाई गायब है क्रिस गेल में से। बताओ क्रिस के सी से क्या बनेगा सर? एनी कंज्यूमर, पॉइंट नंबर वन। जी से क्या बनेगा पुष्पा? पॉइंट नंबर थ्री, है ना, राइट, गवर्नमेंट। ए से क्या बनेगा मुन्नी? पॉइंट नंबर टू, एसोसिएशन एनजीओस। एल से क्या बनेगा मुन्नी? पॉइंट नंबर फाइव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी घर वाले। ई से क्या बनेगा? हाँ, पॉइंट नंबर फोर, ऑटोमेटिकली यहां लिखेंगे। सेम का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब होता है इक्वल। क्या मतलब होता है? जिन सबका इक्वल और सेम इंटरेस्ट हो कि भाई मैगी हम सबके लिए हानिकारक है, खाली तेरे लिए नहीं मेरे लिए सबके लिए। तो ई से मतलब पॉइंट नंबर फोर, इक्वल इंटरेस्ट। तो ये लोग कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, ये लोग कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, ठीक है, राइट, नोट कर लिया भैया। अब ध्यान से सुनेंगे एक अगली कहानी, थोड़ी सी लंबी है पर ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा। 12 रुपए का बैग, जिसे हम हिंदी में थैला बोल देते हैं, 12 रुपए का कैरी बैग, और उसकी वजह से लगी बिग बाजार के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी। बिल्कुल रीसेंट केस है और आपको पता भी होना चाहिए रीसेंट केस, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, क्या हुआ इस केस में और क्यों 12 रुपए की जगह पे पेनल्टी लगी 5 लाख रुपए की। तो देखिए ये केस चंडीगढ़ का केस है। चंडीगढ़ के केस में एक मैम, है ना, चंडीगढ़ के बिग बाजार आउटलेट में पहुंची, सामान खरीदा अप्रोक्सीमेट 1200 रुपए का, यानी एग्जैक्ट अमाउंट अगर आपको बताऊं तो एग्जैक्ट अमाउंट था 1198। सामान लेके पहुंची, ट्रॉली जो होती है, नॉर्मली हम सब ट्रॉली के थ्रू सामान परचेसिंग करते हैं, उसमें फिलअप करते हैं और काउंटर पे पहुंचते हैं। तो अपनी ट्रॉली लेके काउंटर पे पहुंची, राइट, सामान बहुत सारा था, छोटा, ठीक है। तो सेलर ने, यानी जो कैशियर था, कैशियर ने पूछा कि मैम कैरी बैग लेना चाहेंगे आप? तो उन्होंने कहा दे दो, कैरी बैग तो चाहिए, सामान तो ले जाना मुझे घर पे। कैशियर ने बोला मैम एक्स्ट्रा 12 रुपए लगेंगे कैरी बैग के, ठीक है। तो उस टाइम पे तो वो जो मैम थी, उन्होंने कैरी बैग ले लिया, पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा लगा कि इतनी शॉपिंग करने के बाद भी जो छोटा सा एक थैला होता है या कैरी बैग होता है उसके पैसे चार्ज करते हैं, और ये हम सबको भी अच्छा नहीं लगता। हम सब जब भी, आपने गौर किया होगा, जब भी हम ऐसे आउटलेट पे जाते हैं, चाहे बिग बाजार हो चाहे कोई और आउटलेट हो, तो वहां पे जब हम जाते हैं तो हमें जो थैला होता है, कैरी बैग होता है, ठीक है ना, राइट, वो ले जाने नहीं दिया जाता, और कहा जाता है कि आप अगर एक्स्ट्रा बैग हमसे लेंगे तो इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, और उनसे चार्ज किए गए 12 रुपए। तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, 12 रुपए कौन देता है कैरी बैग के, ये तो इंक्लूड होना चाहिए, राइट। तो वो पहुंची चंडीगढ़ के कंज्यूमर फोरम में, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहुंचने के बाद उन्होंने केस फाइल किया कि भाई मेरे को 12 रुपए जो उन्होंने चार्ज किए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ठीक है, ये चार्ज इन्हें नहीं करना चाहिए। 1 जुलाई 2019 को उन्होंने अपना केस फाइल किया। अब बात करते हैं कि कुछ लीगल वर्ड्स के थ्रू या इनके वर्ड्स के थ्रू जो बिग बाजार ने कोर्ट में के सामने रखे। बिग बाजार ने कोर्ट में रिप्लाई किया, अपनी दलील रखी। इट वॉज राइटली चार्ज एज सेम वॉज डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड, कि भाई हमने कस्टमर से बिल्कुल सही तरीके से चार्ज किए हैं 12 रुपए, क्योंकि हमने ये बोर्ड पर लगा रखा है, बिल्कुल साफ साफ बोर्ड पर लिख रखा है, इसलिए चार्ज किए, ठीक है। और जिन्होंने, है ना, जिन्होंने, जिन मैडम ने ये सामान खरीदा है, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कैरी बैग लिया, हमने उनको जबरदस्ती नहीं बेचा, हमने उनसे पूछा, उन्होंने खरीद लिया, राइट, और 12 रुपए हमने उनकी मर्जी से चार्ज किए हैं। इट वॉज देयरफॉर इट वॉज राइटली चार्ज्ड, ठीक है ना। और दूसरी दलील जो बिग बाजार ने रखी कंज्यूमर कोर्ट में, उन्होंने ये रखा कि इसके साथ साथ बिग बाजार ने हर बोर्ड पर, हर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर और अपने आउटलेट के बोर्ड पर लिख रखा है कि ग्राहक को एनवायरमेंट बचाने के लिए स्टेप लेते हुए अपने घर से थैला या कैरी बैग लेके आए, है ना। ग्राहक शुड कैरी कैरी बैग टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, अगर वो नहीं लाते तो उनको यहां से खरीदना होगा और उसके लिए उनको 12 रुपए देने पड़ेंगे। ये वर्डिक्ट या ये दलील बिग बाजार ने कंज्यूमर कोर्ट में रखी। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिसको सुनकर मैं भी बहुत खुश हुआ, पढ़कर भी बहुत खुश हुआ। वो दिन आया 24 जनवरी 2020, राइट। कोर्ट ने क्या बोला, सुनिए कोर्ट ने क्या बोला। बिग बाजार नेवर अलाउ कस्टमर टू कैरी बैग इन द स्टोर्स। फिर से सुनना,
बिग बाजार नेवर अलाउ कस्टमर टू कैरी बैग इन द स्टोर। बिग बाजार कभी भी कस्टमर को अपने घर का थैला, जो अपने घर के थैले ले जाते हैं, वो कोर्ट में, वो अपने आउटलेट में ले जाने नहीं देते बिग बाजार वाले। और हम देखते भी हैं, चाहे बिग बाजार हो चाहे कोई और शॉपिंग आउटलेट हो, तो वो ज्यादातर जो स्टील का उनका है ना, क्या कहते हैं, एक कार्ट होता है, उस कार्ट को ही ले जाने देते हैं और कहते हैं इस कार्ट में सामान भरिए, यहां से बाहर ले जाइएगा, अपने कार के पास छोड़ दीजिएगा। नॉर्मली हम सब ऐसे ही करते हैं। इसलिए बिग बाजार इस बात का एडवांटेज था, कोर्ट ने कहा इसलिए ही बिग बाजार इस बात का एडवांटेज देता है कि अपना थैला घर का तो हम ले जा नहीं सकते आउटलेट के अंदर, तो बिग बाजार को ये एडवांटेज मिलता है कि जो लोग हाथ में सामान लेके घर जाएंगे तो उनको कैरी बैग खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। फिर कोर्ट ने दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बोली, कोर्ट ने दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बोली, अगर बिग बाजार को या बिग बाजार जैसे आउटलेट्स को एनवायरमेंट की इतनी ही चिंता है या एनवायरमेंट की इतनी ही उनको, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको इतनी चिंता है, तो उन्हें खुद ये आउटलेट पर कैरी बैग फ्री देना चाहिए, राइट। और वैसे भी जो जब भी हम कैरी बैग या हम नॉर्मली मिठाई की दुकान पर भी जाते हैं, तो मिठाई की दुकान पर भी जो हम मिठाई लेते हैं, तो डब्बा या थैला जिसके अंदर मिठाई रखते हैं, चाहे हम बीकानेर पे जाएं चाहे हम लोकल शॉप पे जाएं, उसके पैसे वो कभी चार्ज नहीं करते। अगर आप इस बात पे गौर करें तो थैला हमेशा प्रॉफिट में इंक्लूड माना जाता है सेलर की। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंट के अगर बिग बाजार को वाकई चिंता है तो उन्हें कैरी बैग देना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस कैरी बैग की कॉस्टिंग उनके प्रोडक्ट की प्रॉफिट में, आउटलेट के प्रॉफिट में इंक्लूड होना चाहिए और इंक्लूड होता भी है, राइट। तो कोर्ट की वर्डिंग थी। तो सुनिए फिर फाइनल कोर्ट ने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनल कोर्ट ने क्या बोला आखिर। कोर्ट ने बोला इट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। गौर फरमाइएगा, इट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि आप हजार रुपए का सामान ग्राहक को बेचते और 12 रुपए का बैग भी उनसे चार्ज कर लेते, वो भी आप फ्री में नहीं देते, राइट। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से बिग बाजार के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी लगाई और कहा कि 5 लाख रुपए जमा करें कहां पर, पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में। कंज्यूमर के थ्रू एक इस तरह के फंड बनाए जाते हैं, पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में आप 5 लाख रुपए जमा करें। ये तो पेनल्टी की बात हो गई। जिन मैडम ने, है ना, जिन मैडम ने ये केस फाइल किया उनके 12 रुपए लौटाए, तो 12 रुपए मिल गए, राइट। और उन्होंने केस फाइल करने के 1100 रुपए कोर्ट में जमा कराए होंगे, ठीक है ना, और वो 1100 रुपए भी उनके वापस दिए जाएं बिग बाजार के द्वारा, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने क्या बोला कि उस लेडी को 12 रुपए भी वापस दें और 1100 रुपए जो लिटिगेशन कॉस्ट नाम, जिन्होंने लिटिगेशन कॉस्ट केस करने की कॉस्ट को भी वापस दिया जाए, और साथ में क्योंकि उनका टाइम लगा, वो कोर्ट में गई 6-7 महीने, कोर्ट में जब हियरिंग हुई होगी तो चक्कर भी काटे होंगे, बहुत नॉमिनल सा कंपनसेशन दिया, 100 रुपए उनको कंपनसेशन दिया जाए, राइट। 100 रुपए का कंपनसेशन मिला। तो मोटी मोटी अगर बात करें तो 100 रुपए कंपनसेशन तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, लेकिन जो दिल को तसल्ली मिली होगी केस जीतकर वो तो अनमोल ही है कि नहीं बात। 12 रुपए वापस आए, 100 रुपए वापस आए, और कंज्यूमर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस करने के जो 1100 रुपए लगे वो भी वापस दिए और 5 लाख की पेनल्टी बिग बाजार को लगी। हाँ दोस्तों, ये बताओ बिग बाजार के ऊपर किस चीज की पेनल्टी लगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और बिग बाजार को क्या बोला कि पैसे कहाँ जमा करने, ध्यान सुनना, यहाँ जमा करने, क्योंकि ये अभी हमारे पढ़ाई का हिस्सा है। रुपए जमा करें कहाँ, कहाँ पर, पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड, पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड, कुछ एनजीओ जो कुछ है ना, ये चीजें होती है जो लोगों का भलाई करती है, कंज्यूमर का भला करते हैं, उस फंड में आपको ये पैसे क्या करने हैं सर,
जमा करने, कोर्ट ने सजा सुनाई, साथ में आंटी जी के पैसे भी मिले, कोर्ट की फीस वापस मिल गई, है कि नहीं बात। और साथ में इसके बाद बहुत सारे केस और भी आए। हाँ, ये केस गया कहां पहले बताओ, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, कहां गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता भी बताऊंगा, तो मैं भी वही पढ़ना है अगला टॉपिक। तो कुछ उसके बाद भी कोर्ट में बहुत सारी चीजें हुई, जैसे क्या हुआ सर, ये हुआ, ठीक है, 11,000 रुपए फिर है ना लगाए गए, ठीक है ना। हाँ, कैरी बैग के अलग अलग शहरों में, अलग अलग शहरों में यहां देखा, ये भी केस हुआ है, तो भैया दूसरे शहर वालों ने भी केस कर दिया, तो वहां 5,00,000 की जगह 11,000 की पेनल्टी लगी, ठीक है ना, राइट। फिर क्या हुआ, आदित्य बिरला पर 8,000 की पेनल्टी, क्योंकि उन्होंने 9 रुपए चार्ज कर लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ सर, बाटा वगैरह पे भी, रिलायंस ट्रेंड पे भी लगा 30,000 का, उन्होंने 8 रुपए चार्ज किए। बाटा पर भी लगा, है ना, बाटा पर लगा 3 रुपए चार्ज करने के 9,000 का फाइन, लेकिन कंपनी वाले फिर भी सुधरते नहीं, अभी भी लेते हैं, अभी भी लेते हैं। पैंटलूंस पे भी लगा, है ना, राइट, कैरी बैग के लिए चार्ज करने के लिए। तो अलग अलग शहरों के अलग अलग आउटलेट पर लोगों ने, जो लोग जागरूक हैं, जो कंज्यूमर वकील भी हैं, लॉयर भी हैं, उन्होंने क्या किया सर, है ना, राइट, उन्होंने बोला भैया 100% हैप्पी रहो, क्या रहो, 100% हैप्पी रहो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, और क्या करो सर, केस फाइल करो, ठीक है। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, पर उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, राइट, कि वो लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक जगह क्या कर रहे हैं सर, आपको वेलफेयर फंड में पैसे भी देने पड़ते हैं जो बिग बाजार ने डाले। अब ये बताओ, 12 रुपए का बैग है, कितने रुपए का बैग है, 12 रुपए का बैग है, इस बैग को लेकर मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में भी कहां जाऊंगा। तो भैया सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज का बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट खास टॉपिक। जब मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा, तो मेरे पास कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए 3 कोर्ट बनाए गए, क्या बनाए गए, और 3 कोर्ट को यह नाम दिया गया, हम उसे उन्हें कोर्ट नहीं बोलेंगे, उन्हें इन नाम से जानते हैं, 3-tier machinery, क्या बोलते हैं, 3-tier machinery बोलते हैं, जिसे लीगल भाषा में बोलते हैं रिड्रेसल एजेंसी। रिड्रेसल मतलब रिलीफ, जहां आपके हक की लड़ाई आप लड़ोगे और आपको रिलीफ, राहत और हरजाना मिलेगा। पहली एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरी एजेंसी है स्टेट कमीशन, और तीसरी एजेंसी है नेशनल कमीशन। तो 3 tier इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे कितने कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन। स्टेप बाय स्टेप आप इनमें जाएंगे और डायरेक्ट कब जा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो 3 तरह की रिड्रेसल एजेंसी होगी हमारे पास, ठीक है। वाइल द नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सेटअप बाय द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिवली, है ना, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल जो नेशनल कमीशन है वो कौन सेटअप करता है सर, सेंट्रल, और बाकी दोनों कौन सेटअप करता है पुष्पा, हाँ, स्टेट कमीशन। अब इन तीनों में क्या क्या होता है, इन तीनों में क्या क्या होता है, छोटा सा एसआर के बनाएंगे, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा सर, ठीक है ना। बताओ कितनी एजेंसी है सर हमारी, 3, कौन कौन सी, सबसे पहले, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिला, तो जिला सबसे छोटा होता है, जैसे कि नोएडा क्या है, डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, है ना, गाजियाबाद क्या है, गाजियाबाद जिला है, मेरठ क्या है, जिला है। तो ऐसे पूरे स्टेट में छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं सर, जिले बनाए जाते हैं, तो उन्हें जो जिला हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो हो गया कौन सा सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, आगे बढ़ के लगाएंगे कमीशन, दूसरे कौन हो गया सर, शॉर्ट में हम प्यार से बोल देते हैं डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। दूसरा कौन होगा रे पुष्पा, नेशनल, अगला लेवल, ओ सॉरी, अगला लेवल क्या होगा सर, स्टेट, स्टेट कमीशन, क्या होगा सर, स्टेट कमीशन, प्यार से आप इसे क्या बोल सकते हो, हाँ, एससी, स्टेट कमीशन, एससी बोल सकते हैं, ठीक है भैया। इसके बाद क्या आता है सर, हाँ, स्टेट कमीशन के बाद
फिर आखिरी पड़ाव आता है क्या सर? नेशनल कमीशन. क्या आता मुन्ना? नेशनल कमीशन. ठीक है ना, राइट. अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, प्यार से क्या बोल सकते हो आप? एनसी. तो डीसी, डीसी कॉमिक्स मत लिखाना है एग्जाम में, है ना, बैटमैन की कहानी लिखाओ कभी. डीसी, एससी और एनसी. अब एक करके देखते हैं सर. सबसे पहला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे नोट्स में है ना किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमें पॉइंट को कवर करना है. तो जो नोट्स में मैंने लिखा है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख रखा है, अगर मैं उसे पॉइंट्स में लिखवा दूं तो आसानी से याद हो जाएगा, एग्जाम में लिखने में भी आसानी होगी. सबसे पहला है ना, शॉर्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम नोट्स को पढ़ के आसानी से याद कर लो. कौन सेटअप कौन करता बताओ? डिस्ट्रिक्ट कमीशन. कौन कहां पे सेटअप होता है? लिखो सर, साथ साथ लिखते जाना, है ना, अपने नोटबुक में. सेटअप इन ईच, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन हर जिले में सेटअप है. ऐसा नहीं कि अगर तुम गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में हो तो तुम्हें गाजियाबाद जाना पड़ेगा, ना ना ना, मैं गाजियाबाद में, तुम्हें नोएडा आना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है. हर जिले का अपना क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम है. कौन सेटअप करता है? बाय स्टेट या सेंट्रल? स्टेट गवर्नमेंट. यानी हम यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट इसे सेटअप करती है. और सबसे डेंजर बात, क्योंकि मैंने एक बार केस किया हुआ है, हालांकि केस करने से पहले सॉल्व हो गया है ना, मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही गया था, राइट. केस करने से पहले मुद्दा सुलझा दिया गया. हुआ ये कि भैया मैंने, ये तुम गाड़ी देख रहे हो नीचे, है ना, राइट, इससे पहले मैंने गाड़ी बुक करी थी आज से 5-6 साल पहले, स्विफ्ट डिजायर, नहीं सॉरी रिड्ज बुक की थी, है ना, राइट. तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए व्हाइट कलर, मुझे व्हाइट कलर पसंद है ना, तो मैंने कहा इसलिए ये वाली स्विफ्ट का भी कलर व्हाइट है. मैंने उनसे बोला मारुति से, भाई मुझे कितने, कौन सा कलर चाहिए? मुझे व्हाइट कलर चाहिए. उन्होंने 3 महीने की वेटिंग कर दी, समझ रहे मुन्नी. जब मैं गया वहां पे गाड़ी लेने, तो बैलून वैलून लगा के केक कटेगा, सब में बटेगा, फूल वूल लेके खड़े हो गए सिल्वर कलर की कार के आगे. मुझे पसंद नहीं सिल्वर कलर, कौन सा कलर दे दिया? व्हाइट, है ना. मुझे कौन सा कलर चाहिए था? मतलब व्हाइट. और दे कौन सा दिया? सिल्वर. मैंने कहा भैया माता जी ई नहीं चल रहे. उन्होंने कहा सर आपने सिल्वर बोला था, सिल्वर बोला था. मैंने कहा कैसे बोल दिया सिल्वर? तो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पे उनके ही सेल्समैन के साइन थे और लिख रखा था क्रिस्टल व्हाइट या सॉलिड व्हाइट करके, जो मेटेलिक व्हाइट जो होता है, इस तरीके से लिख रखा था. मैंने कहा ये मेरी राइटिंग है, ये तो ऐसा भी नहीं कि मैंने घर से टाइप करके चिपका दिया यहाँ पे, ये राइटिंग मेरी है, ये साइन मेरे हैं, तुम्हारे सेल्समैन के तो साइन है, सेल्समैन को बुला लो, मुंह पे झूठ बोल देगा वो, है ना. मैंने कहा यार बताओ तुम सिल्वर गाड़ी दे दी मुझे, हमें व्हाइट चाहिए थी. तो होता ना कई बार कि ज्यादा पैसे लेके अंदर अंदर किसी स्पेशल खास बंदे को चिपका दियो कि भैया वेटिंग पीरियड ज्यादा है ना. सर सिल्वर भी बहुत अच्छी लग रही है, सर क्या नया कलर, सर क्या बात करती सर, है ना, लोगों की तो इतनी डिमांड है ना, इसकी तो वेटिंग व्हाइट से भी ज्यादा है. मैंने कहा व्हाइट से ज्यादा है ना, तो उन्हीं दे दे जिनको ज्यादा है, मुझे व्हाइट चाहिए. ठीक है, अब वो मानने नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया. ठीक है, फिर तब मैं जब दिल पे बात लगी तब मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम पहुंचा. अब मेरे को लगा यार डिस्ट्रिक्ट फोरम जाऊं कैसे, अब मैं डीसी जाऊं कैसे, मैं तो पढ़ाने जाऊंगा यार, ये छुट्टी करनी पड़ेगी. उस दिन फिर मुझे पता लगा कि भैया कंज्यूमर कोर्ट संडे भी ओपन होती है, संडे भी ओपन. दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया. मैंने कहा वाह, कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, संडे भी ओपन, कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है. दिल पे तीर लगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. तब मुझे जिंदगी पहली बार अच्छा हुआ कि यार कानून का सहारा लेंगे तो हो सकता है. फिर मैं वहां से केस की फाइल ले आया, मतलब फॉर्म वॉर्म ले आया कि मैं केस करूंगा, तो उन्होंने मसला सुलझा दिया. फिर कहीं इधर उधर से मंगा के मुझे फिर वाइट दी, सर आप भी केस लड़ोगे, हम भी केस लड़ेंगे, है ना, राइट. इतने दिन का प्रोसेस होता है सर, इतने दिन आप भी बिना कार के और हम भी परेशान, ये वो. मैंने कहा भैया गलती किसकी है, कि नहीं, गलती किसकी है? तुम इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी अपने को क्लेम करते हो और फ्रॉड काम कर रहे हो तुम. मैं कंप्लेंट भी करूंगा हेड ऑफिस में मुंबई, है ना, राइट, ठीक है, ट्वीट भी करूंगा, टैग करूंगा उन लोगों को. क्या क्या नहीं बात. तो बेचारे घबरा गए कि नहीं यार, तो क्या होता है भाई, लॉयल्टी पॉइंट्स गिर जाते हैं. आप छोटे गाजियाबाद शहर में, इतना बड़ा शहर तो है नहीं, छोटे शहर में भी आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे बहुत इतनी डिमांड भी नहीं है कि मुंबई दिल्ली इतनी डिमांड हो, आप चीटिंग कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, फिर कहीं से अरेंज करके 2-3 दिन में गाड़ी दे दी. तो तब मुझे बता था कि भैया कंज्यूमर कोर्ट की कितनी ताकत होती है कि बिना कोर्ट में जाए भी मैटर क्या हो जाता है सर, सुलझ जाता है.
है ना, सिर्फ मैं तो पेपर लेके गया कि भैया मैं साइन कर रहा हूं, ये तू साइन कर दे, है ना, राइट, मैं कोर्ट में आऊंगा, वहां मिलियो कोर्ट में। अब देख, अब जब गाड़ी है लेनी नहीं तो ले, कहीं और हम टाटा की ले लेंगे भैया, पैसा रिफंड कर दे, हम टाटा की ले। तब उन्होंने क्या किया, मुद्दा सुलझा दिया, बात समझ में आई। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का ये मजा है, ठीक है। अब जब मैं वहां पहुंचा था डिस्ट्रिक्ट फोरम को, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहुंचा, तो वहां पर मुझे एक आंटी जी मिली, है ना, आंटी जी थी, बहुत बोर हो रही थी बैठी बैठी, चने खानी, सर्दी का टाइम था, आजा बेटा आजा 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 बेटा आजा, है ना। मैंने कहा आंटी नमस्ते, क्या हुआ, क्या बात हो गई, है ना। तो आंटी लग रहा हो कोई ग्राहक नहीं आ रहा, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे मैं वहां गया, वहां गाड़ी कलर से बदल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, घबरा मत, देख केस लड़ेगा तो टाइम तो देख देना पड़ेगा, गाड़ी तो फिर भी नहीं मिलनी, लेकिन तो फिर भी घबरा मत, 80% 90% काम तेरा, ये पर्चा देख के डर जाएंगे वो, तू ले मैं साइन कर रही हूँ। उन्होंने कोर्ट की, कंज्यूमर कोर्ट की स्टैंप लगाई, साइन के, कहते ये दे देगा, यही घबरा जाएंगे इसे देख के कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है ना, केस कर रहा है। तब फिर मैंने जब घर पे आके पढ़ा, या जब मैंने सोचा कि हाँ बच्चों को हम क्या पढ़ाते हैं, हम यही पढ़ाते हैं कि हर एक कंज्यूमर कोर्ट में एक लेडी का होना क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। यानी कंज्यूमर कोर्ट में जो लोग बैठेंगे, जो बेंच बैठेगी, जो मेंबर बैठेंगे, उनमें सारे जेंट्स होने चाहिए, एक लेडी तो अनिवार्य है। हो सकता है कि भाई कोई लड़की या कोई लेडी अपनी कोई समस्या लेके जा रही हो जिससे वो जेंट्स को ना बताना चाहती हो, है कि नहीं बात, कंज्यूमर कोर्ट की कोई बात हो कि भाई कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। कई बार होता है ना ऐसा कि भाई हम परिवार में ऐसे होता है कि भाई जैसे पर्दा सिस्टम हो गया, या राजस्थान में वो होगा ना भाई लोग बाग, जैसे वो पिक्चर आई थी एक सुनील शेट्टी की, घर में सारे ही जेंट्स जेंट्स से, कोई भी लड़की नहीं थी, है कि नहीं बात, तो वो लड़कियों से बात करते हुए घबराते थे, है ना। एक पिक्चर है सुनील शेट्टी की, उसमें 10-12 भाई 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 भाई, भाई थे, उसमें कोई लड़की नहीं थी, तो वो किसी लड़की से बात ही नहीं करते थे, घबराते थे वो कि हमने तो आज तक किसी लड़की से बात ही नहीं करी, मम्मी भी बहुत सालों पहले गुजर गई थी, तो ऐसे भी लड़की का घबराए। तो इसलिए कोर्ट जज कहता है कि भाई एक जगह पर सुनवाई के लिए सारे जेंट्स होने चाहिए, कौन होना चाहिए, एक लेडी भी होनी चाहिए, है कि नहीं बात। तो इसलिए मुझे वो आंटी जी मिली, और लेडी लोग आंटी लोग ज्यादा अच्छे से कर देती हैं, और जेंट्स कोई जेंट्स नहीं, उधर घूम रहे होंगे टाइम पास के लिए, चलिए चाय पीने चलने चलने चलने, है ना, आंटी जी बेचारी आराम से कम उसे बैठी देती। तो इसलिए मुझे वो आंटी जी मिली कि जब मैं समझ गया वहां पर कंज्यूमर कोर्ट में जेंट्स नहीं, लड़कियों, तो लड़कियों की वजह से एक लेडी मेंबर तो वहां मिलेगी मिलेगी। इसलिए लॉ में पता क्या लिख रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिख रखा है, जब आप वहां पे जाएंगे कोर्ट में, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंसिस्ट ऑफ टू मेंबर्स, कितने मेंबर, टू मेंबर प्लस वन प्रेसिडेंट, एक मेंबर होगा और एक कौन होगा, उनका प्रेसिडेंट होगा। टू मेंबर में वन मेंबर जो होगा क्या होगा सर, मस्ट बी, हाँ है ना, वन मेंबर फीमेल, और अगला जो मेंबर है वो भी फीमेल हो सकता है और वो मेल भी हो सकता है, एक वुमेन और एक मैन, और सेकंड मेंबर वुमेन भी हो सकती है। यानी तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ और दोनों लेडी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ एक लेडी और एक मैन मिल जाए, ये भी पॉसिबल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ और दोनों ही मैन मिल जाए, ये ई नहीं चल रहा भैया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, याद रहेगी बात। तो बताओ कितने मेंबर कितने प्रेजिडेंट, हाँ, जो कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं बात। अगर हम जाएं, अब स्टेट में चलते हैं सर, स्टेट में चलते हैं, स्टेट में कौन, स्टेट को कौन सेटअप करेगा, सेटअप इन ईच स्टेट, सेम बात, किसके द्वारा, बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट का मसला है, राज्य का मसला है, तो राज्य सरकार ही सेटअप करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई दखलअंदाजी नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो समझते होंगे ना, इतने तुम पढ़े लिखे हुई बताए ना, उसे नहीं पता, पता है, ठीक है, अभी क्लास का बताऊंगा फिर। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ऐसे छुट्टी पढ़ाऊंगा तुम्हें यहां पे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ गए ना बात क्या है, राइट। तो यूपी स्टेट है,
महाराष्ट्र स्टेट है, एमपी स्टेट है, तो हर स्टेट में एक क्या मिलेगा तुम्हें, स्टेट कमीशन मिलेगा, राइट। इसमें कितने मेंबर होंगे, सेम फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है सर, दो मेंबर प्लस वन प्रेसिडेंट, सेम बात। दो मेंबर में से एक कौन होंगी सर, हाँ एक फीमेल, यानी कि एक वुमेन मस्ट है और दूसरा बंदा एक मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, यानी कि एक मैन हो सकता है। ये दोनों ही कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। दो पॉइंट आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेशनल कमीशन में आते हैं सर, नेशनल कमीशन क्या होगा सर, कौन सेटअप करेगा, हाँ सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, कौन सेटअप करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार नहीं, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल का बोलते हैं केंद्रीय सरकार, पार्लियामेंट्री जो हो गया एक तरीके से, तो सेंट्रल इकोनॉमिक्स का मसला है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बात समझ में आ गई। एक बार ध्यान रखना, यहां कितने मेंबर होंगे, यहां होंगे चार मेंबर, ए पुष्पा बहुत ध्यान समझेंगे, यहां कितने मेंबर होंगे, चार मेंबर, ठीक है मुन्ना मुन्नी, चार मेंबर प्लस वन प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट तो एक ही होगा। अब बताओ चार मेंबर में से कितनी आंटी लोग, कितने अंकल लोग, ना ना ना, एक वुमेन मैंडेटरी है, एक वुमेन मस्ट है, बाकी होने को तो दो आंटी भी हो सकती है, तीन आंटी भी हो सकती है, चार आंटी भी हो सकती है, लेकिन एक का होना अनिवार्य है, और बाकी बैलेंस थ्री मैन किए जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इन्हें कौन अपॉइंट करेगा, हाँ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी अपॉइंट करेगी, एसजी अपॉइंट नहीं करेगी। तो ये दो खास पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, याद रखने हैं जिला स्टेट और नेशनल कमीशन में, ठीक है मुन्ना मुन्नी। अब इधर ध्यान देंगे बहुत ही गंभीर बात, गौतम गंभीर से भी गंभीर बात सर। क्या है वो गंभीर बात सर, गंभीर बात है वैल्यू यानी कि अमाउंट, तीसरा पॉइंट होगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, विद कंपनसेशन, है ना, यानी फिलहाल ऐसे लिख लो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कि कितने अमाउंट में मैं कहां जाऊंगा, है ना, कितने अमाउंट में मैं कहां जाना पसंद करूंगा। सुनो ध्यान से, अब इसमें दो मसले हैं, कितने, एक जो एनसीईआरटी में दिया है और एक जो लीगली अपडेट हुआ है पर अभी एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया। तो जब तक एनसीईआरटी अपडेट नहीं करेगी अपन लोग किसको याद करेंगे, एनसीईआरटी, और जब एनसीईआरटी उसे अपडेट कर देगा तो अपन लोग अपडेटेड वर्जन याद कर लेंगे। तो मैं दोनों ही तुम्हें बता दूंगा, बहुत आसान है, ठीक है, राइट। अब चलते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, किसके हिसाब से, ठीक है ना, राइट। जब अपडेट हो जाएगा एनसीईआरटी में तो हम वाला याद कर लेंगे, लेकिन जहां तक मेरा खुद का मानना है, जहां पर डिस्प्यूट होता है किताब में और प्रैक्टिकल लाइफ में, वहां सीबीएसई वो सवाल पूछता नहीं है। क्योंकि बताओ तुमने एनसीईआरटी के हिसाब से जवाब दिया तुमसे ही, क्योंकि एनसीईआरटी ने तुम्हें किताब दी है, मैंने करंट लॉ के हिसाब से जवाब दे दिया तो मैं भी सही, भाई एनसीईआरटी अपडेट नहीं है, मैं तो अपडेट हूं क्योंकि मेरे पापा लॉयर है, मेरे घर में मैं लॉयर हूं, मैं लॉयर सारा काम जानता हूं लॉयर का, तो मैंने लॉ को अपडेट कर रखा है, मेरे को पता है कि नहीं बात, तो मैं भी गलत नहीं हूं, तुम भी गलत नहीं। तो जहां डिस्प्यूटेड मामला होता है वहां सीबीएसई वैसे सवाल उस मुद्दे पर कम पूछते हैं, लेकिन हम दोनों ही पॉइंट याद करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। अगर पहले मैं कौन सा बता रहा हूं, है ना, एनसीईआरटी वाला, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू, क्या मुन्ना, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कंप्लेंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट बोले तो गुड्स एंड सर्विस दोनों, तो यहां लिख देता हूं कंप्लेंट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ, है ना, राइट, या जो भी आपने खरीदा है अप टू
अप टू एक कलोल, कितना कितना? अगर एक कलोल तक की वैल्यू है तो तुम्हें कहां जाना है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। वैल्यू अगला, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं स्टेट की, स्टेट में लिखेंगे अगर वैल्यू है, अगर एक करोड़ तक, सुनो ध्यान से, अगर एक करोड़ तक मैं कहां जाऊंगा? डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, तो एक करोड़ से ऊपर ही जाऊंगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे? वैल्यू मोर देन वन करोड़ बट ना अप टू टेन कलोल, कहां जाओगे आप? स्टेट में। और क्योंकि मैंने लिखा है अप टू टेन करोड़, अप टू, तो टेन करोड़ तक कहां जाना है मुझे? स्टेट में। और अगर मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू दस से ऊपर निकल गई तो? हाँ, तो यहां बहुत आसान है, यहां मैं जब जाऊंगा जब मेरे प्रोडक्ट यानी गुड्स या सर्विस की वैल्यू कितनी हो मोर देन टेन करोड़। यहां पे मुझे एक बार बता दो बस, मैंने एग्जैक्टली एक करोड़ का सामान खरीदा और धोखाधड़ी हो गई, कौन से कोर्ट में जाऊंगा? आंसर लिखा है तुम्हारी स्क्रीन पर, देख के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो दुल्हन पिताजी घर पे ही है। गलत जवाब, एक करोड़ का सामान है। हाँ वो सही बोल रही है, वो गलत बोल रही है। कहां जाऊंगा मैं? डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। अब तू मतलब एक करोड़ डिस्ट्रिक्ट में ही आ रहा है, मैंने सामान खरीदा एग्जैक्ट दस करोड़ का, कहां जाऊंगा? क्योंकि क्या लिखा है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाऊंगा, स्टेट में जाऊंगा। दस करोड़ दस रुपए हो गए या दस करोड़ एक रुपया हो गया, तो फिर ये वाला सिंबल लग गया ना। तो कई बार बच्चे एक करोड़ दस में फंस जाते हैं, कंफ्यूजन समझ में आ गई ना? तो लगता है यार मुझे याद तो है पर एक करोड़ में डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा या स्टेट में जाऊंगा मुझे समझ में नहीं आ रही बात, तो याद रखना ये बात। अब आते हैं किस पे सर? अपडेटेड वर्जन पे, है कि नहीं बात? ये कौन सा था सर? अब हमें कौन सा लेके चलना है? नहीं, हमें कौन सा लेके चलना है? एनसीईआरटी वाला, है ना? कायदे में हमें फिलहाल ये याद रखना है, क्या याद रखना है? अब मैं तुम्हें अपडेटेड वर्जन बता रहा हूं जो अपन लोगों की बुक में है। कहां पे है सर? अपन लोगों की बुक में है। अगर कंप्लेंट वैल्यू कितनी है? हाँ, अप टू 50 लाख, तो मैं कहां जाऊंगा? डीसी। और अगर कंप्लेंट वैल्यू कितनी है? मोर देन 50 लाख बट अप टू, हाँ, टू कलोल, अप टू टू कलोल, तो कहां जाऊंगा? और अगर वैल्यू ऑफ कंप्लेंट कितनी है? मोर देन टू करोड़, तो कहां जाऊंगा? ये तो फिलहाल हम कौन सा याद करेंगे? फिलहाल हम कौन सा याद करेंगे? एनसीईआरटी वाला। फिलहाल आप ये वाला याद रखेंगे, एक करोड़ दस करोड़ और टेन करोड़। अपनी बुक में ये दे रखा है, अपनी बुक में दे रखा है ना। इसके साथ साथ ऊपर वाली एनसीईआरटी वाली वैल्यू लिख लो कि भैया हमें एनसीईआरटी वाला मसला याद रखना है। अपडेट वाला कर लो, लेकिन ये एनसीईआरटी ये उसकी न्यूज़लेटर में आना चाहिए, है ना? सीबीएसई इसको क्या करे बताए, ऑफिशियली बता देना, यानी एनसीईआरटी अपडेट होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ना तुम एनसीईआरटी वाले लिखना। वैसे तो देखो 99% बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं जहां डिस्प्यूटेड अमाउंट्स हो, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, लिखना कौन सा है? हाँ, लिखना एक करोड़ दस करोड़ और मोर देन टेन करोड़ वाला लिखना है, ठीक है मुन्ना मुन्नी? तो सर अगले मुद्दे पे आते हैं, सर अगले मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे अगले मुद्दे को। चौथा पॉइंट लिखेंगे सर, चौथा पॉइंट लिखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहले क्या होता है ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहले क्या होता है, पहले वो लिखवाता हूं तुम्हें, लिखो।
ऑन फाइलिंग कंप्लेंट। लिखो एट द फर्स्ट हियरिंग, एट द फर्स्ट हियरिंग इफ, यानी फर्स्ट हियरिंग समझ गया ना, जब पहली बार सुनवाई होगी तुम्हारे केस की कोर्ट में, इफ अपियर, अच्छा तब क्या होता है, तब ये होता है कि मान लो भैया तुम और मैं लड़ रहे हैं, है ना, मैं ग्राहक तुम कंपनी, या तुम ग्राहक मैं कंपनी, से मैं और मारुति लड़े, ठीक है। अब मारुति भी कोर्ट में खड़ी है और मैं भी कोर्ट में खड़ा हूं, अब मुझे गाड़ी चाहिए, मारुति को इज्जत चाहिए, है ना, कि भैया गुडविल खराब ना हो, मैगजीन में छप जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे छप जाएगा, मारुति के खिलाफ इतने केस चल रहे हैं। तो जज पहली हियरिंग में पता क्या पूछ लेता है, पक्का है भाई लड़ लियो, लड़ोगे, कुछ हो सकता है, आपसी समझौता है ना, इसे पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, क्या बोलते हैं, और कानूनी भाषा में से बोलते हैं आर्बिट्रेशन, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन चाहे याद ना हो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यानी कोर्ट के बाहर समझौता, क्या बोलते हैं, ये कोर्ट अलाउ करता है ना। फिर मैं और मारुति वाले मिलेंगे, भैया केस तो कह रहे हैं जज साहब लंबा चलेगा, है ना, राइट, मैं भी इंतजार करूंगा, तुम भी फंसोगे, ठीक है, तुम बताओ भैया, तो कोर्ट खुद बोलेगा कि गलती तो मारुति की है, सर ने कौन सा कलर बुक किया, भैया ने कही वाइट, उनने कौन सी दे दी सिल्वर, गलती तो मारुति की है, ये तो पता है, तो कोर्ट खुद बोल देगा आउट ऑफ कोर्ट सेटल में, ऐसा कर दो भैया, तुम भी बच जाओ, इनकी भी बात पूरी हो जाए, ठीक है। तो पता लगा मारुति वाले मुझे कह रहे हैं भाई केस मत लड़, कोर्ट के बाहर आ जा, कोर्ट के बाहर सुन सुन चाहे सुन प्यार की धुन, है ना, राइट, एक काम कर लेते हैं, देख 15 दिन लगेंगे, मारुति वाले समझा रहे हैं, भाई देख 15 दिन लगेंगे वाइट गाड़ी आने में, 15 दिन तक जब तक वाइट गाड़ी ना आए तो मारुति की जो गाड़ी होती है ना अपनी खुद की, तू भाई वो यूज कर ले, है कि नहीं बात, गाड़ी का गाड़ी हो गया इंतजाम, और 15 दिन की वेटिंग में तुझे लगेगा कि भैया बच्चों पढ़ाने जा रहा हूँ तो भैया स्कूटी से थोड़ी जाऊँगा, बाइक से थोड़ी जाऊँगा, गाड़ी तो चाहिए, है कि नहीं बात, ये भी हो जाएगा। अब कोर्ट कह रहा है यार मारुति वाले अपने खुद की घर की गाड़ी दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अब वो गाड़ी चाहे तुझे कोई भी दे दे, है कि नहीं बात, स्विफ्ट ले ले, स्विफ्ट डिजायर ले ले, जो तेरी मर्जी हो तू वो गाड़ी चूज कर ले। मैंने कहा सियाज में जाऊंगा, मारुति बड़ी वाली में जाऊंगा, ब्रेजा में जाऊंगा, है कि नहीं बात। मारुति वाले कह रहे ठीक है भैया तू केस वापस ले जा, तू जो तू भैया ये ले जा, तू स्विफ्ट डिजायर ले जा, स्विफ्ट ले जा, जो मारुति की टेस्ट ड्राइविंग की गाड़ियां हैं उनमें से जो तुझे अच्छे लगे भाई तू बोले, तू मैनेजर की ले जा ले, है कि नहीं बात, राइट। और बता ये सहायता कर सकते हैं, 15 दिन बाद नहीं आ जाओ, रिबन काट लियो भाई, है कि नहीं बात, 15 दिन घर वालों को समझा ले, 15 दिन बाद नहीं आएगी, इतने इसका मजा लो। अब ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चल इतना कह भी रहे हैं, राइट, और साथ में मारुति वाले कह रहे हैं जो सर आपने केस किया, आपने केस के दिए 1100 रुपये, वो पैसे भी कौन देगा, मारुति आपको दे देगी, और बताओ, है कि नहीं बात। और गाड़ी में भैया एक कुछ एसेसरीज एक्स्ट्रा ले लियो भाई, और क्या, सामने गणेश जी लगाया, गणेश जी बढ़िया वाले देंगे, ठीक है। अब इतना ऑफर दे रहे तो मान जाऊंगा नहीं मान जाऊंगा, जज साहब ने कहा भैया मान गए, कोर्ट केस वापस लो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो। तो अगर पहली हियरिंग के दौरान प्यार मोहब्बत से, सुन चाहे सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे चुन, है ना, राइट, प्यार मोहब्बत से अगर दो पार्टीज आपस में मान रही हैं तो कोर्ट का और अपना वक्त कई महीनों तक जाहिर करने का फायदा ही क्या है, क्योंकि जॉली एलबी में किसने बोल दिया, अक्षय कुमार ने, कि हमारे देश में 21,000 जज है, 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, 3 करोड़ केस पेंडिंग है, कई जिंदगी निकल जाएंगी, सुलझाते तो तुम क्यों फंस रहे हो उनमें। और ये बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिख दी गई, इफ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट हियरिंग इट इज अपियर, लिखो इफ इट इज अपियर्स टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन दैट देयर एग्जिस्ट, 7 साल लिख लिया ना, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेटलमेंट, सेटलमेंट समझ गए, जो मैंने तुम्हें अभी सेटलमेंट बताया कि मारुति और मेरा ये सेटलमेंट हो गया, है ना, विच सेटलमेंट, जो किसे एक्सेप्टेबल है, दोनों पार्टी को एक्सेप्टेबल है, विच मे बी एक्सेप्टेबल, विच मे बी एक्सेप्टेबल
टू द बोथ पार्टीज, मुझे और मारुति दोनों को, है ना राइट right? कि भैया अंकुर भैया को भी बात समझ में आ रही है और मारुति को भी ये एक्सेप्टेबल है कि हम दोनों इस मुद्दे पे, इस डील पे कर लेते हैं, तुम 15 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन मुझे मारुति गाड़ी दे दो और मेरे कोर्ट में जो पैसे लगे वो दे दो बस, तो मैं राजी हूं 15 दिन वेट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं भी नहीं पड़ना चाह रहा राइट right? अगर ये है तो क्या होगा, देन कोर्ट, कोर्ट कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ना, देन डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे डायरेक्ट पार्टीज टू गिव इन राइटिंग, टू गिव इन राइटिंग विद इन 5 days. जज साहब कह रहे हैं मारुति और मुझे 5 दिन में आपस में मसले को सुलझा लो, जिस बात पे तुम राजी हो रहे हो उसे लिख के ले आओ, क्योंकि कोर्ट तो रिटर्न चीजें मांगेगा ना, विद इन 5 days. 5 दिन में क्या होनी आ जानी चाहिए, दोनों पार्टी सी कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति कि हम दोनों राजी हैं, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, है कि नहीं बात, विद इन 5 days कंसेंट टू हैव देयर डिस्प्यूट सेटल्ड बाय मीडिएशन, मीडिएशन बोले तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो हमारा कराएगा, ठीक है, वो देखे तुमने जहर वाली खीर सूर्यवंशम, तो उनमें जो बच्चन साहब होते हैं ना, एक तरीके से वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा देते हैं, यानी कि एक राज्य के एक शहर के बड़े अच्छे पढ़े लिखे है ना रसूखदार लोग, ठीक है ना, तो उनके पास चले जाओ, वो जो फैसला कर देंगे वो कोर्ट मान लेगी और साइन कर देना आके कि हाँ भाई दोनों इस मुद्दे में मान गए, तो सेटल बाय, हम कैसे सेटल कर रहे हैं सर, बाय मीडिएशन इन अकॉर्डेंस विद कंज्यूमर, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन, प्रोविजन मतलब लॉ है ना, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये मसला क्या है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, और इसके ऊपर एक्सपेक्टेड लिख लेना, ये एग्जाम में 100% आ सकता है, ये मेरी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, बच्चे को बाकी चीज याद रहती हैं, पर बच्चा क्या भूल जाता है, मेरा और मारुति का केस भूल जाता है कि सर ने और मारुति ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया था, फिर मिल गई मुझे गाड़ी स्विफ्ट, है ना राइट, समझ में आ गई बात, बोलो समझ गए सर, तो ये हो गया सर हमारा क्या सर, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट राइट, इतनी बात समझ में आ गई, अब इसी में ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद, ये तो एक प्रोसेस हो गया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, लेकिन भैया तुम लड़ लिए हम ना कर रहे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, अब क्या हुआ, इफ देयर इज नो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तब क्या होगा, अगर मैं कह रहा हूं नो सेटलमेंट, अब बताओ तुम्हारे हिसाब से अब क्या होना चाहिए, अगर मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए तैयारी नहीं हूं मारुति से, मैं कह रहा हूं ना मुझे ना करना समझौता, मैं तो लड़ूंगा केस, तो फिर तो केस आगे बढ़ेगा, बस केस आगे बढ़ेगा वही बात लिखी है, और जज साहब कह रहे ना मान रहा है, ना मान रहा है, ना मानना मैं, चलो भैया, फिर जज साहब ने बोला आगे, ऑन रिसीविंग कंप्लेंट, ऑन रिसीविंग कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम और डिस्ट्रिक्ट कमीशन कॉल पार्टीज, अब हम दोनों पार्टीज को कोर्ट में बुला लेंगे, वो पार्टीज अगेंस्ट हुम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कॉल पार्टीज अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज फाइल्ड, जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उसे बुला लिया, ठीक है भैया पहुंच गए जी, पहुंच गए, और अगर जरूरत है इफ नीडेड
कि गुड्स बिल्कुल मैगी जैसा है, जिसे कहां पे भेजना जरूरी है, लेबोरेटरी में, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहेगा ये प्रोडक्ट पकड़, इसे भेज दे लेबोरेटरी में और इसकी जांच करवा ला। तो वो पुलिस को, लोगों को, जो भी उनके अंडर में है, क्या भेज देंगे सर, लेबोरेटरी भेज देंगे। इफ नीडेड, इफ नीडेड गुड्स सेंड फॉर, बोलो, टेस्टिंग इन लेबोरेटरीज, फॉर एग्जाम्पल लाइक इन मैगी केस, मैगी केस में भी तो पहले लेबोरेटरी में भेजा गया, तब पता लगा लेड की मात्रा ज्यादा थी, तो ये एग्जाम में लिख के जरूर है ना, इंडिया का ऐतिहासिक केस है मैगी केस, है ना। फिर मैगी की टेस्ट, फिर सेटलमेंट नहीं हो रहा, ये काम हो गया, अब पता लगा ये दोनों बातें हो गई, इसके बाद जज क्या करेगा, फैसला सुना देगा। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, अगला पॉइंट ये बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ओ हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पासिस द ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग या आफ्टर कंसीडर्ड लैब रिपोर्ट एंड आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की सुनवाई करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या कर देगा सर, पासेस द ऑर्डर कि भैया अंकुर विजय के खिलाफ तुमने गलत काम किया, तुमने जब व्हाइट कलर की कार बुक की थी सिल्वर क्यों दी, ये हर्जाना देना पड़ेगा तुम, ठीक है। सेम डू मतलब क्या है रे मुन्ना, सेम, सेम कहां लगेगा, और सेम लगेगा नेशनल कमीशन में, यानी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का याद कर लो, डिस्ट्रिक्ट का याद कर लो, है ना, राइट, स्टेट का और नेशनल का ऑटोमेटिकली याद। ठीक है मुन्ना मुन्नी, कितने पॉइंट हो गए, लास्ट पॉइंट। अब ये बताओ, अगर अगर कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं हो, खुश नहीं है, मजा नहीं आया, पापा के फैसले से खुश नहीं हो, कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो, तो फैसला कहां पे जाता फिर, हाँ दद्दू की अदालत में, है ना, सेम कहानी है। अगर पता लगा तुम्हारे खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने फैसला सुना दिया और तुम्हें पसंद नहीं आया, यार ये तो गलत है मेरे खिलाफ, जरूर जज ने पैसे खा लिए होंगे, रिश्वत ले ली होगी, है कि नहीं बात, मैं भैया अपने हक की लड़ाई आगे लड़ूंगा, तो आगे कहां जाओगे, हाँ तो लिखेंगे इफ एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मतलब होता है दुखी, एग्रीव्ड मतलब क्या होता है, इफ एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मतलब होता है दुखी, अगर दुखी पार्टी नॉट सेटिस्फाइड, एग्रीड पार्टी नॉट सेटिस्फाइड विद ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तब क्या होगा सर, देन सच पार्टी, देन सच पार्टी फाइल अपील टू स्टेट कमीशन इन 45 डेज, कितने दिन मेरे मुन्ना मुन्नी, 45 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर, जब ऑर्डर पास हो गया उसके 45 दिन के अंदर, ऑर्डर, ठीक है। सेम कहानी यहां है, सेम कहानी यहां है, लेकिन यहां 45 डेज नहीं है, यहां लिखोगे अगर एग्रीड पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई स्टेट कमीशन के ऑर्डर से, देन सच पार्टी कैन फाइल अ केस, या सेल कैन फाइल अ अपील टू नेशनल कमीशन इन, कितने दिन थे पुष्पा,
30 डेज, राइट। और अगर तुम नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो कहां जाओगे? अपील। इफ नॉट सेटिस्फाइड बाय नेशनल कमीशन ऑर्डर तो आपको अपील कहां करनी पड़ेगी? नेशनल कमीशन से ऊपर कौन? नहीं, हाई कोर्ट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अपील टू, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, है ना, राइट। तो आप अपील करेंगे कहां पे सर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अब ये एमसीक्यू में आ जाता है मुन्ना मुन्नी, अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है क्या है? इसमें ऐसे अभी पढ़ लेंगे, आगे 30 होंगे लगभग, है ना, देख लेंगे। अभी देखो क्या लिखा है, मतलब भाई तुमने पहले कहां फाइल किया केस? डीसी में। डीसी का ऑर्डर आया तुम्हारे खिलाफ, 45 दिन में कहां पहुंच जाना अपील लेके अपनी। स्टेट का ऑर्डर भी तुम्हारे खिलाफ आया, 30 दिन में कहां पहुंच जाना। नेशनल में तुम्हारे खिलाफ आया तो कहां पहुंच जाना। अब सुनेंगे ध्यान से सर, इन बातों को कुछ इस तरीके से लिखा गया है ना, इन बातों को कुछ इस तरीके से लिखा गया। क्या लिखा है देखना जरा, अब तो कुछ बताने की बात नहीं है, ये बात हो गई। दो, एक महिला है, एक प्रेसिडेंट, एक वुमेन है ना, स्टेट गवर्नमेंट, ये वाली बात तुम्हें पता लगी गई, ये लिखी बात जो मैंने तुम्हें बताई। आप अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हो तो एक्सेप्टेबल है, आपको क्या करना पड़ेगा? 5 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि हम मीडिएशन से कोर्ट में आपसी समझौता करना चाहते हैं। तो ये ग्रीन पेन से जो हाईलाइट है वो हो गया। अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो नहीं जा रहा भैया सेटलमेंट पे, तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपके गुड्स को लैब पे भेज देगी टेस्टिंग के लिए अगर जरूरी है तो, फिर ऑर्डर पास कर देगी दोनों पार्टीज की सुनवाई के बाद। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हो कि आपके खिलाफ ऑर्डर निकाल दिया, तो कितने दिन सर? 45 दिन के अंदर अंदर कहां पहुंच जाना? स्टेट में। फिर हम कहां गए सर? स्टेट में आ गए। स्टेट में बताओ कितने प्रेसिडेंट और कितने मेंबर? बिल्कुल सही बात। कौन अपॉइंट करता है? अमाउंट तुम्हें पता लगी क्या? 10 करोड़ वाला बात है ना, राइट। अगर स्टेट कमीशन कैन फाइल बिफोर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो होगा वो कहां जाएगा सर? स्टेट कमीशन में जाएगा। कंप्लेंट आने के बाद कहां क्या होगा सर? हाँ, सैंपल के लिए भेजे जाएंगे। और अगर आप स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर कहां पहुंच जाए? नेशनल कमीशन। फिर तुम कहां गए भैया? नेशनल कमीशन। कितने लोग? ये रही बात, ठीक है। सेम बात, गुड सैंपल के लिए भेजा जाएगा, लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, ठीक है। ये लिखी बात ग्रीन पेन से, वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है पढ़ना जरा। ऑर्डर पास बाय नेशनल कमीशन ऑफ इट्स ओरिजिनल जुडिशन अपीलेबल बिफोर द, तो आप कहां चले जाओगे सर? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहां जाएंगे मुन्ना? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बस ये लिखिए बात, ठीक है ना, राइट। ये था क्या सर? बोले जल्दी। वो रिड्रेसल एजेंसीज जहां मुझे क्या करना है सर? कंप्लेंट फाइल करनी है अगर मेरे प्रोडक्ट की वैल्यूज है ना अमाउंट के हिसाब से। अब बताओ तुम, ये रहा सीपी आज का, तुम बताओगे मुझे I got defective and unsafe product. Sir, they showed misleading false advertisement. मैगी की तरह, क्या करूं? What should I do? 3 redressal agency में आप जा सकते हैं। उसने, अब आप जॉली एलबी, ये बेचारा भोलू कंज्यूमर है, आप हो जॉली एलबी, आप कह रहे हो भाई सुन साहब, सुन प्यार के धुन सुन, अगर तेरे प्रोडक्ट की वैल्यू अप टू कितनी है? 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ ही तो है, 1 करोड़ अपडेटेड वाली, 1 करोड़ है ना, तो तू कहां जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट
कमीशन में जा सकता है ना। अगर तेरे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, मोर देन, हाँ मोर देन 1 करोड़, येलो पेन से लिखता हूं है ना, मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, एनसीईआरटी वाली है ना। और अगर तेरी गुड्स की वैल्यू कितनी है, मोर देन 10 करोड़, तो तू कहां चला जा। तो हमने पढ़ा देयर इज अ 3 रिड्रेसल एजेंसीज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन। ओ सॉरी सीक्वेंस गलत लिख दिया ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है मुन्ना मुन्नी, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, खेल खत्म आज की क्लास का। पहला सवाल 11, पढ़ियो मुन्नी पढ़ियो। हाँ पक्का, बाकी स्टेट में जाएगी। स्टेट में क्यों जाएगी, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेटिस्फाई नहीं, स्टेट में जाएगी। बिल्कुल सही जवाब, लगा लो कांटे ना। अरे मुन्नी वो स्टेट में कितनी बार गई है, कब गई है और जाना कितने दिन में, 45 में, तो फिर 2 महीने में 60 ना होते, मजे ले लिए। बस यही गलती होती है एग्जाम में। नो आंसर नो है, सोनाक्षी विल नॉट एबल टू अपील इन द स्टेट कमीशन, रीजन बीइंग बिकॉज 2 months हैव ऑलरेडी पास्ड एंड यू हैव टू फाइल द कंप्लेंट विद इन 45 days। पूरी दादा तो, हाँ तो भैया याद रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टपकते हैं और बच्चे बेचारे लोटपोट हो जाते हैं। तीसरे में गलती मत कर दीजिए। अब तीसरे में गलती मत कर दीजिए। Whether he could appeal against the decision of National Commission? बताओ। हाँ पढ़ लो आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं पता भैया, देखो 15 लाख की गाड़ी है, बाकी केस तुम्हारे सामने। क्यों अरे मुन्नी समझे नहीं, वो सही समझी क्वेश्चन। ये बताओ सुनो, कोई भी चीज नेशनल कमीशन तक कब जाएगी अगर उसकी कीमत कितनी हो, 10 करोड़ से ज्यादा है ना, और अगर बिल्कुल अपडेटेड मामला हो तो 2 करोड़ से ज्यादा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। कोई भी चीज कोर्ट में नेशनल कमीशन में कब जाएगी, नेशनल में 10 करोड़ से ज्यादा। यहां गुड्स की वैल्यू कितनी है, पूरी ज्यादा 15 है कि नहीं बात। तो 15 की वैल्यू की मैं पहले कहां जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट में हर तो कहां जाऊंगा, स्टेट से हर तो कहां जाऊंगा, लेकिन नेशनल से सुप्रीम कोर्ट कब जा सकता हूं, जब नेशनल में वैल्यू कितनी हो। देखो क्या लिखी बात, सुनना ध्यान से। सिराजुद्दीन कैन नॉट अपील टू एनी अदर हायर कोर्ट, रीजन बिकॉज ओनली दोज मैटर हैव बीन डायरेक्टली फाइल टू नेशनल कमीशन वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस अलॉन्ग विद द कंपनसेशन, गुड्स के साथ साथ वैल्यू के साथ साथ कंपनसेशन की वैल्यू कितनी हो, एक्सीड 10 करोड़, आर अपीलेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखोगे, रखोगे सुप्रीम कोर्ट 15 लाख के केस लेगा, मैं 1000 करोड़ों केस चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट चिल्लर लड़वाओगे मुझसे,
अब तुम कहते हो पहली क्लास के बालक को 2 बन जाए 2 सिखा दो, कुछ तो इज्जत रखोगे, मेरी नहीं रखोगे, है कि नहीं बात? तो सुप्रीम कोर्ट उसी लेवल की तरह है कि भैया जैसे मैं अब प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, है कि नहीं बात? राइट, सीए के बच्चों को तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन 2 बन जाए 2 नहीं सिखा सकता मैं, पढ़ा भैया मैं नहीं पढ़ाना मुझे, है कि नहीं बात? ऐसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कुछ इज्जत रखोगे, रखोगे सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए बात याद रखेंगे, ठीक है? तो भैया स्टेप बाय स्टेप आप नेशनल तक पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कब पहुंचोगे? जब वैल्यू कितनी हो 10 करोड़ से ज्यादा, समझे? तो इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, चांद तारे बना लेना। देखते हैं अगला पहचानोगे नहीं पहचानोगे, बताना जरा। 15 कहाँ जाएगी? पक्का रीजन देना है, वेयर अनीता कैन फाइल द कंप्लेंट, गिव द रीजन, और कंज्यूमर की डेफिनेशन तुम जानते ही हो, ठीक है? सिंस द वैल्यू ऑफ गुड्स इन क्वेश्चन, कैसे किताब कितने रुपए की होगी? 1 करोड़ से तो कम की होगी, तो आप क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ गुड्स डज नॉट एक्सीड एक्सीड 1 करोड़, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, राइट? शी कैन फाइल इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और कंज्यूमर की डेफिनेशन तुच्छा क्वेश्चन था, इसे क्यों नहीं आंसर दे रहे तुम दोनों? ये तो आसान था भाई, किताब की कीमत का तो अंदाजा लगा सकते हो, कोई किताब 1 करोड़ से ऊपर की तो नहीं होगी, है ना? तुच्छ क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देती मैं। चलो आखिरी क्वेश्चन, इक्कीस बताओ। सोच समझ के जवाब देना तीनों का। Why commercial transaction not fall in the purview of consumer? दूसरा, Why do you think कि उसको इनिशियली डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करना चाहिए, और why, what, where do you think कि अगर वो हार गया तो फिर वो आगे कहां जाए? बताओ, केस स्टडी पढ़ो और बताओ तीनों के आंसर। ये देखो क्या, ये स्टॉक ब्रोकर ने अपील करी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, इनिशियली द जजमेंट ऑफ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर्म अवॉर्डेड डैमेजेस टू द पानाजी, है ना, हु हैड लॉस्ट मनी इन शेयर ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक ब्रोकर इन्फोलाइन लिमिटेड, ठीक है ना? कि भैया पहले तो उन्होंने बोला, गोवा डिस्ट्रिक्ट ने बोला कि भैया हम लॉस की भरपाई नहीं करेंगे क्योंकि कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं आती, कवर नहीं होती। फिर मुंबई बेस के ट्रेडर ने केस किया और उसने बताया कि भैया लॉस डैमेजेस मिलने चाहिए। तो पहली बात तो ये पूछी कि क्यों गोवा डिस्ट्रिक्ट ऐसा कह रही है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं आती, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है? उसका आंसर क्या होगा? जो हमने कंज्यूमर की डेफिनेशन में पिछले लेक्चर में पढ़ा, ठीक है? कंज्यूमर के डेफिनेशन में क्या चीज नहीं आती सर? हु अवेल द सर्विस या हु यूज द गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, दुकानदार अगर सामान लेगा तो कंज्यूमर नहीं है, ये पूछ रहा है तुमसे इनडायरेक्टली। कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूज और कंज्यूम द गुड्स और अवेल द सर्विस, हाउएवर पर्सन हु बाय द गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस और रीसेल पर्पस विल नॉट बी कंसिडर टू बी, इसलिए गोवा डिस्ट्रिक्ट ये बोल रही है कि जो रीसेल वगैरह के लिए काम करते हैं और कमर्शियल यूज के लिए खरीदते हैं वो कंज्यूमर नहीं होते। तो ये तो कंज्यूमर से पूछ लिया। फिर अगर
प्रिज्यूमिंग दैट, हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो शेयर में शेयर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। हम ये मान रहे हैं शेयर की वैल्यू कितनी है सर, बोलो, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ये आपको एग्जाम में अजम्पशन लेनी है कि ऊपर दिए गए केस स्टडी में जो बंदा शेयर की खरीद बेच कर रहा है उसकी शेयर की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने क्या माना कि शेयर की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ से कम है। अबव मेंशन केस वॉज इनिशियली कहां जाएगा सर, कहां जाएगा, गोवा डिस्ट्रिक्ट में ही तो जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर 1 करोड़ से कम है तो कौन से फॉर्म कहां पे लेके जाओगे कमीशन में, गोवा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में लेके जाओगे, गोवा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में लेके जाओगे। मुन्नी बात समझ में आ गई है ना, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि गोवा डिस्ट्रिक्ट ने ये बोला कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन कंज्यूमर एक्ट में कवर नहीं है, तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन कंज्यूमर एक्ट में कवर क्यों नहीं होती, वाई कमर्शियल ट्रांजेक्शन नॉट कवर इन कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर कमर्शियल ट्रांजेक्शन क्यों कवर नहीं होती, क्योंकि कंज्यूमर कौन होता है, जो खाता है या किसी और को अपनी मर्जी से खिला देता है। कंज्यूमर कौन नहीं होता, जो रीसेल करता है या फिर कमर्शियल यूज कर लेता है। तो वही तो पूछ रहे हैं, तो बताओ कमर्शियल ट्रांजेक्शन कंज्यूमर की डेफिनेशन में क्यों नहीं आती, क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन में लिखा है कल बिल्कुल डिटेल में, घंटा भर इसी पे लगाया है ये लिखी बात। बिकॉज पर्सन हु बाय द गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस इज नॉट अ कंज्यूमर। जो लोग दुकानदार, बताया था लिखवाया था, दुकानदार कंज्यूमर क्यों नहीं होता, वो दवाई वाला केस भूल गए, दुकानदार ने किसी और को बेचा तो दुकानदार केस नहीं कर सकता, क्योंकि दुकानदार क्या नहीं है, कंज्यूमर नहीं है। तो यही तो लिखा है, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं वो कंज्यूमर नहीं होते, ये पूछ रहे हैं क्यों कंज्यूमर नहीं होते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन में लिखी है बात, ठीक है ना। अगली बात, अगर वो कहां सेटिस्फाई नहीं है, बोलो जल्दी, हाँ, इफ विमन नागेश वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, वो लिखा है ना, पूछ रहा है अगर सामने वाला बंदा सेटिस्फाई नहीं है स्टेट कमीशन से तो कहां जाए। नॉट सेटिस्फाइड ही कुड हैव फाइल्ड इन फाइल्ड कंप्लेंट नेशनल कमीशन विद इन, ठीक है, तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेड लिख लो, क्योंकि तुम्हारे है ना घुटनों में इस क्वेश्चन का बहुत स्ट्रेस रहा, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखेंगे। लेकिन अब मुझे पता लग गया क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो मुझे पता लग गया कि भाई मुझे सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, कि मैं मान रहा हूं कि कंप्लेंट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कितनी है सर, 1 करोड़ से कम है, इसलिए मैं कहां जा रहा हूं, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा रहा हूं, है ना। तीसरा तो बहुत आसान है और पहला भी बहुत आसान है, पहला ये तो पूछ रहा है कंज्यूमर के अंदर कमर्शियल ट्रांजेक्शन कवर क्यों नहीं होते, क्योंकि एज पर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर जो हम रीसेल के लिए लेते हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए लेते हैं वो कंज्यूमर नहीं कहलाता। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर।